पड़ोसी देश नेपाल की संसद ने मंगलवार को एक संविधान संशोधन बिल पर बहस शुरू की है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत राजनीतिक नक्शे पर दिखाया गया है। नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमया थुम्बागफे ने संसद में चर्चा के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है और संविधान के नक्शे को दोबारा बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए बोली भी लगाई है। संविधान संशोधन प्रस्ताव को पिछले महीने संसद में पेश किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि वे इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करना चाहते हैं। केपी ओली ने कहा, इस विधेयक में संविधान के शेड्यूल 3 में शामिल नेपाल के राजनीतिक नक्शे में संशोधन करना है। इसे संविधान में संशोधन लाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। नेपाल की नेशनल असेंबली में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त है, लेकिन निचले सदन में उसके पास 2/3 बहुमत से 10 सीटें कम है। इसके लिए उसे विपक्ष का साथ मिलना जरूरी है। उधर नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ने कहा कि सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए उन्हें भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने पिछले माह कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि कालापानी का विवाद हम लोग बातचीत से ही हल कर लेंगे। फिलहाल 72 घंटों का समय दिया गया है और उसके बाद ही साफ होगा कि नेपाल के नए नक्शे में क्या निर्णय होगा।